हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे होंगे? मस्त होंगे और खुश होंगे। देखिए, जीवन में कभी निराश नहीं होना। जीवन जो लोग निराश होते हैं उनके लिए बना ही नहीं है। ये जो जीवन है ना, मेहनत करने वालों के लिए और स्ट्रगल करने वालों के लिए बना है। हर दिन खुद से कहो कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम होनी चाहिए और उनको मैं एक झटके में सॉल्व कर सकूँ, तो घबराना नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, कल वाली क्लास क्या थी कि मैंने 4K क्वालिटी में रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे को नहीं पता था कि 7 घंटे अपलोड में लगेंगे, तो कल मैंने क्लास को भी लेट रिकॉर्ड किया और उसके बाद में अपलोड होने में भी टाइम लग गया। तो इसीलिए आज कोई नई थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल होमवर्क सॉल्यूशन की क्लास है। इस होमवर्क का रिटर्न जो होता है ना, सारा काम मैंने भेज दिया इस तरीके से। ये देखिएगा, ये खुद मैंने हाथ से बनाया है पूरा, है ना। तो आपके ये टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट हो चुका है ना। एक एक क्वेश्चंस को मैंने लिखे जो उसको सॉल्व कराए। उसके बाद में भी क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को तो सॉल्व करवाए ही करवाए, उसके बाद में भी मैं जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सारे के सारे। आगे बात समझ में, इस तरीके से ध्यान रखना। चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, सेशन को, होमवर्क को। तो बच्चों खुश रहिए और काम करते रहिए। चलो यहाँ से मेरे को आंसर भी दिख जाएंगे, किसका कौन सा आंसर है, क्या क्या है, ठीक है। चलो तो खुश रहिए, मस्त रहिए और आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्वेश्चंस हमारे सामने हो तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है और सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहा प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका डाटा देखिए, क्या क्या डाटा गिवन है और उसके बाद क्या डाटा आपको जो है वो फाइंड करना है। देन आपने जो पढ़ा है अभी तक, उसमें से कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या बातें हो सकती है। तो सर ने अभी तक जो पढ़ाया है वो केवल और केवल 3 चीज़ें पढ़ाई। कितनी चीज़ें रे? 3। पहली वाली बोलो कौन सी रे? कूलम्स नहीं पढ़ाया था, पहले पढ़ाया था चार्ज और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में और कूलम्स लॉ के जितने भी सवाल बन सकते हैं या उसके सिमिलर कोई फोर्स है जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे किए। और उसके बाद हमने किया इक्विलिब्रियम स्टेट के क्वेश्चंस जो मैंने कल करवाए थे। इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको होमवर्क मिला था DPP के 5 क्वेश्चंस। तो DPP का सॉल्यूशन क्या करूंगा, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा DPP का क्वेश्चन देते रहूंगा। तो DPP का क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, DPP 1 का पूरा सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन, तो जिससे क्या हुआ कि प्रैक्टिस बन जाएगी। अभी आपको DPP के सवाल देना बंद कर देंगे, अभी केवल और केवल मॉड्यूल के क्वेश्चन देंगे। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बोलेंगे DPP 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो। और बताना 400 सवाल का MCQ भी तैयार पड़ा है, भेजा नहीं है मैंने, क्योंकि तुम डर जाओगे। इसलिए धीरे धीरे चल रहे बेटा, मेरा उद्देश्य है मेहनत करना। और कब कब भी आपको मैसेज कर देता हूँ, आप लोगों को भी पता है ना, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के बोल दिया था बच्चों उठ जाओ और पढ़ लो, है ना। तो मेरा टारगेट पूरे बच्चे पे फोकस रहता है, उसको पूरे तरीके से प्रिपेयर करना कि वो हार ना माने। सर आप तो आज एक बात भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग सब है, चलो सभी का वेलकम। अब नाम उसी का लूंगा जिसने कल के वीडियो पे कमेंट किया, सर वीडियो रात को लेट अपलोड हो गया था, हम देख नहीं पाए। आज हमारे नाम ले लो, कल मैं जो है सबके कमेंट जो है वो कर देंगे और फिर हमारे नाम ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले निम्बाराम जी का कमेंट आया था, तो बोलते हैं ना कि फोन दुख माया है छोड़ दिया करो, आज भूल गया स्विच ऑफ करना तो बजना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले निम्बाराम जी का कमेंट आया था, निम्बाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट जो भी प्रेजेंस है, जैसे जनरली होते हैं गणेश है, ठीक है। कल एक लड़के का नाम बोला था, मैं नाम नहीं बता पाया था, चारण बोला था, रितिका चार, ठीक है। तो वेलकम रितिका। उसके बाद वे हमारे बंजारा साहब, शीतल जी, भावना जी, और उसके बाद में अपने कमला बहन, ठीक है, और एक और थी जिनका नाम मैं आज वापस भूल गया हूँ, ठीक है, याद आएगा तो बता दूंगा। निहारिका जी था, पता नहीं क्या था, याद नहीं, ठीक है। सुनीता जी, ठीक है, जितनी भी सारी बहनें हैं और जितने भी भाइयों के भी नाम लेने जरूरी है, सर सॉरी है सर, ठीक है, सॉरी जी, आपका स्वागत। मूला राम जी आपका स्वागत, ठीक है, और भी अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुकेश है, और कौन है सर? मेरा नाम तो ले आएंगे, अच्छा तेरा नाम भी ले लेते हैं, चलो भाई नरेश मानाराम, ठीक है, नरेश का भी नाम ले लिया, चलो इसका भी नाम लेना है, चलो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन होमवर्क सॉल्यूशन नहीं किया है, और मुझे पता है कि बच्चों को सबसे ख़राब चीज़ लगती है होमवर्क, स्टूडेंट को सबसे ख़राब और ख़तरनाक चीज़ लगती है होमवर्क। बेटा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन दिख रहा है। चलो, तो सबसे पहली चीज़ होती है होमवर्क करते ही नहीं है, बच्चों को सबसे ख़राब चीज़ लगती है होमवर्क। अगर आपने नहीं भी किया है तो ये देखो और क्वेश्चन को पढ़ो। हिंदी वालों के लिए भी बता दूंगा क्वेश्चंस क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका क्वेश्चंस हिंदी में लिख देता हूं, जिन लोगों ने नहीं किया हिंदी वालों ने। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, आपको माइका का सापेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है उसके बारे में बताना। या निरपेक्ष परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के बारे में पूछ रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अरे बोलो रे, पढ़ा था ना सर, हमारे तो सब चाप हो गया, साफ कंप्लीट ऑल डिलेट। हम तो सर पढ़ते ही नहीं है तो डिलेट ही होना है रे झिंगूर, पढ़ता लिखता क्यों नहीं साले। तो क्वेश्चंस मैंने लिख दिया, एक बार इसको सॉल्व करो जिन बच्चों ने नहीं किया है। पता है ना रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। हिंदी वाले परावैद्युतांक भी कहते हैं, भूले नहीं ना तुम। चलो भाई, परावैद्युतांक इसे कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो देखिए, कुछ जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू याद रखनी हो, जैसे एयर के लिए कितना बताया था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। वैक्यूम का तो मैंने आप लोगों को 1 बता रखा है, ये ध्यान रखना। लेकिन एयर का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एयर जो होती है हमारी, जैसे ड्राई एयर ले लो या एयर ले लो, ड्राई एयर इसका 1 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा होता है, ज्यादा तो नहीं होता है, बस थोड़ी सी होती है, 1.000536 होती है। और माइका का जो डाइलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट होता है वो कितना होता है, तो देखिए माइका एक तरह के मिनरल है, ये भी ध्यान रखना। माइका, तो माइका को मिनरल भी है, एक तरह की मिनरल है, मिनरल में समझते हो ना, ठीक है, खनिज एक तरह का, 2.5 to 7 के बीच में होता है, ये ध्यान रखना। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि माइका का डाइलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट कितना होता है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो माइका होता है ना उसका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 2.5 से लेकर 7 के बीच में होता है। अरे किसके बीच में, 2.5 से लेकर 7 के बीच में। आई बेटा जी बात समझ में कि नहीं रे? सर इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ये बताइए गुरुजी कि ऑप्शन कौन सा सही है। अरे वही सही होगा, देखो 1 तो होगा नहीं, 1 से छोटा है, लेस देन 1 का मतलब होता है 1 से छोटा, इन्फिनिटी है नहीं प्यारे बच्चे, मोर देन 1 का मतलब 1 से ज़्यादा, दैट इज ग्रेटर देन 1, यही तो वैल्यू है बेटा 2.5 to 7। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। लिख दो जल्दी से डाटा को, फास्टली फास्टली लिखो रे, बहुत धीरे लिखते हो तुम लोग। वैसे सॉल्यूशन भेज रखा है ना। चलो आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, 2 आपके पास में एक समान गोले हैं और उनके ऊपर चार्ज कितना है 10 और -20 यूनिट। यानी कि इस तरीके से आपके पास में 2 चार्ज है, एक की वैल्यू -10 है तो दूसरे की -20 है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल, मतलब इनकी जो रेडियस है वो सेम है, या सेम शेप कैसा भी कह सकते हैं। इफ बोथ द स्फीयर आर फर्स्ट ब्रॉट इनटू कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर एंड देन द प्लेस टू द प्रीवियस डिस्टेंस, यानी पहले ये r डिस्टेंस में रखे गए थे, अब क्या किया गया, इनको टच किया गया। टच करने पर कौन सा होता है, कंडक्शन चार्जिंग होती है कि नहीं होती है, तो कंडक्शन बाई चार्जिंग हो जाएगी।
तो चार्ज कितना होगा? अरे हाफली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा, तो प्रत्येक स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाएगा? तो प्रत्येक स्फीयर पे जब प्यारे बच्चों चार्ज निकालोगे तो आएगा 10 - 20/2, -10/2 दैट इज -5 यूनिट। हाँ जी, अब जो प्रत्येक स्फीयर पे जो चार्ज है ना वो कितना है? अब वो सीधी सीधी बात है, -5 और -5 है, कितना है? -5 एंड -5। अब डिस्टेंस अभी भी इन्होंने क्या रखी है? अब जो लगने वाला फोर्स है उसको F1 नाम दे दो, कितना लगेगा? K Q1 Q2। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी फोर्स निकालो साइन को साथ में मत लिया करो, ठीक है, upon R2। अब यहाँ पे निकालो रे F2 बराबर कितना आया रे बच्चों? K5 × 5 upon R2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? F1 upon F2 बराबर K × 10 × 20/R2 / K × 5 / 5 / R2। K² को काट दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, R² से R² गया, F1 upon F2 10 × 20/5 × 5 को काटा कितनी बार? 2 बार। इसको काटा 4 बार। F1 upon F2 = 8/1। दोनों फोर्सेस का रेशियो जो आएगा वो आएगा मेरे बच्चे 8:1। कितना रे? 8:1। आया कि नहीं आ रहे आंसर? चलो एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे बच्चे। क्या हंस रहा है रे तू? जल्दी से कर, क्वेश्चंस पढ़ रहा है साले, सॉल्व कर इसको। चलो आगे आ जाइए, क्वेश्चन की क्वालिटी एक से बढ़कर एक है मॉड्यूल के अंदर, देख लेना सारे मॉड्यूल को मिला के, सब मॉड्यूल को पढ़ के फिर क्वेश्चंस मैंने बनाए, ये किसी के कॉपी क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखना। सारे अच्छे से अच्छे और एग्जाम के सवाल और मैक्सिमम जेई के सवाल इसके अंदर है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए फिर करना स्टार्ट करिए, जल्दी से करिए बेटा। देखिए सवाल क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 इक्वल, यानी दो चार्ज जो है वो बराबर है एंड लाइक चार्जेस, दोनों की नेचर कैसी है? पॉजिटिव, यानी कि Q1 बराबर Q2, दोनों एक तरह के हैं और सेम है, तो प्लस क्यू मान लीजिए आप, प्लस एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो डी कितना दिया है रे? 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 × 10⁻²⁺ मीटर्स। इनको एक फोर्स लग रहा है रिपल्सिव, तो रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा जब दो चार्ज होंगे, तो ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी बेटा प्लस क्यू चार्ज, अरे कितनी डिस्टेंस पे रखा रे? 5 × 10⁻²⁺ मीटर पे फोर्स कितना लगा? 0.144 न्यूटन। तो बताइए यहाँ पे चार्ज का मान कितना है? बाबा गुलाम कहता है F = KQ1Q2/R², where F is given 0.144 newton, 0.144, that K = कूलाम, ये कांस्टेंट, जिसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 Q2 दोनों Q है, तो Q² कर दीजिए अपॉन R का वैल्यू रख दीजिए 5 × 10⁻²² यहां से जो वैल्यू आएगा 0.144 बराबर 9 × 10⁹,
गुणा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 गुणा 10 की पावर -4। यहां से सॉल्व करिए प्यारे बच्चों, क्यू स्क्वायर बराबर 0.144 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 to the power 9। आगे सर सॉल्व कर दीजिए, सारा क्वेश्चन में ही सॉल्व करूंगा। हे रे बेटा खुद से करो। तो Q बराबर कितना आ जाएगा मेरे लाडू मेरे पीलू, ये आ जाएगा मेरे लाल पीले नीले 0.144 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 to the power -4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 10 to the power 9। अब पता है ना क्या खेल खेलना है आप लोगों को, Q बराबर 25 144 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइज। देखिए क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, 25 को आगे ले लिया, 9 को एज इट इज लिख दिया, 0.144 को 144 लिख दिया, यानी कि ये पॉइंट के तो 10 to the power 3 यहाँ और आ गया। अब ये 10 to the power 3 ये 10 to the power 9, 9 और 3 कितने हो गए रे 12, ये 12 ऊपर गया -4 के पास में, तो क्या बना रे 10 to the power -4 और ये ऊपर गया पावर कितना रे 12, कितना गया 12, तो ये 12 प्लस का है प्लस का है तो ऊपर किसका बनेगा माइनस का। ये लो ये आ गया मेरा रूट, हटा दीजिए अब यहां से 25 का रूट 5, 144 का रूट 12, इसका 3 और इसका 10 to the power -8, 3 से गया तो 4, 5 और 4 20 मल्टीप्लाई 10 to the power -8। आंसर शायद जो है वो माइक्रोकुलाम में निकालना है, तो माइक्रोकुलाम में निकालना है तो क्या करोगे 20 गुणा 10 to the power -6 अलग कर दोगे और 10 to the power -2। अब ये 10 to the power -2 नीचे चला जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे बचेगा 20/100 मल्टीप्लाई 10 to the power -6। जीरो ने बोला हम चले तुम चले, इसने भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया 0.2 गुणा 10 to the power -6, दैट मीन्स 0.2 माइक्रोकुलाम। कितना मेरे लाल पीले नीले मेरे लाडू, 0.2 माइक्रोकुलाम, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा 0.2 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन का बेस अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, फोर्स की वैल्यू दिए है बेटू और आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्या बबुआ, फोर्स की वैल्यू देके चार्ज की वैल्यू पूछिए, अरे आ गया समझ में, जल्दी से लिख लीजिए। चलो आगे सवाल देखते हैं और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे अच्छा और प्यारा सवाल। देखिए बेटा दो चार्जेस हैं, फटाफट करते हैं थोड़ा सा, 1 माइक्रोकुलाम और दूसरा है 5 माइक्रोकुलाम। इन दोनों को 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। अब बोला कि ये इस पे फोर्स लगा और ये इस पे फोर्स लगा, तो इन दोनों का रेशियो बता दो, ये 1 और ये 2, ये क्या लगाएगा F21, ये क्या लगाएगा F12। आपको निकालना है F12 से F21 का रेशियो। बोला था ना ये फोर्स और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, F12 इज F21, दैट इज F, दैट इज F, दोनों का मान F मान लीजिए, F रेशियो F कितना आया रे बेटा 1, तो इसका आंसर होगा 1:1, दैट इज आंसर नंबर 1। ये तो आसान सा सवाल, इजी सा सवाल था। चलो आगे कोशिश करिए, ट्राई करिए, फटाफट लग जाइए बच्चों के।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कल वाले कंसेप्ट पे, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट का सवाल है, करने की ट्राई करिए, कोशिश करिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन क्या कहना है। क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि एक नेगेटिव चार्ज है, आप उसको प्लेस कर रहे सम पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2+Q चार्ज एट रेस्ट। हमारे पास में 2+Q चार्ज है इस तरीके से, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में आपको एक चार्ज रखना है और वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज। कुछ याद आया सर? आ गया अच्छे से। वो चार्ज भी याद है ना, Q/4 होता है, वही सवाल है। मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी डिपेंडेंट ऑन, नेगेटिव चार्ज का मोशन कहाँ होता है, कहाँ रखा जाता है, वहां रखा जाता है जिस डिस्टेंस के पास में नेट फोर्स है जीरो आती है, यानी कि यहाँ पे एफ नेट जीरो आती है कि नहीं आती है। अरे तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। पहला ही ऑप्शन मिल गया, पोजीशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोन, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। कौन सा रे, फर्स्ट आंसर सही होने वाला है। चलो आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए बॉडी हैज -80 μC ऑफ चार्ज, क्यू दे रखा है -80 × 10⁻⁶ नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन एलिवेट, यानी इसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस कितना है ये फाइंड करना है। n = q/e, n·10⁻⁶, केवल और केवल वैल्यू ले लीजिए, साइन को लेने की जरूरत नहीं है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये यहाँ से गया तो 15 बार गया कि नहीं गया रे, तो ये कितना गया पावर, गया तो +19 + 19 = 13 और एक 114 बन गया, तो ये आंसर आ गया 5 × 10⁻¹⁴। ये एन होगा यहाँ का। ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 नो नेवर, ये कभी हो नहीं सकता भाई, क्यों झिलमिल झिलमिल कर रहा है बेटू। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर, आप जीत चुके हैं KBC के अंदर एक पैसा सवाल सही देख के। क्वेश्चन नंबर 7, कूलम्स लॉ फॉर द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज मोस्टली क्लोज रिसेम्बल विद, यानी कि हमारा जो कूलम्स लॉ होता है विद्युत बल का या विद्युत चार्जेस का, वो किसके सिमिलर होता है, कितनी बार बताऊंगा, न्यूटन बाबा की जय हो, न्यूटन बाबा की जय हो। इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम बाबा कहता है Fe = k Q1 Q2/r² गुलाम बाबा कहता है मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरा नाम है ग्रेविटेशन फोर्स, मैं तेरी तरह लिखूंगा रे Gm1 m2/r², इसका आंसर नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में डालना भूल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ नहीं है, कल जो कॉन्सेप्ट कराया था उसी के अलोंग था, है ना, एक क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, है ना, वैसे कल वाला ही था, कल आपको बताया था कि भाई Q1 Q2 पे एक फोर्थ लग रहे हैं दोनों के बीच में Q3, इस Q3 के आने से Q1 Q2 में कोई चेंज होगा क्या, नो चेंज, ये सवाल है, करवाया हुआ कॉन्सेप्ट है। ये आ गया प्यारा सवाल, बढ़िया सवाल, मत सवाल, जिंगूर जैसा सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। आप लोगों को पता है कि जब मैंने फोर्स की वेक्टर फॉर्म बताई थी तो क्या बताया था, K Q1 Q2/r12³³ वेक्टर r12। तो सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा रे बच्चे, बोलो रे लाल पीले, सबसे पहले r12 निकालोगे, क्या निकालोगे r12, ये बनेगा वेक्टर r1 - r2 वेक्टर, यानी कि 2i - j + 3k -0i + 0j + 0k। r12 आ गया बच्चे 2i - j + 3k, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए r12 का, एंड √ of 2 का स्क्वायर
वन का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, रूट 14 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में उत्तर बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू वन क्यू टू, रूट 14 का क्यूब निकालना है, मीन्स रूट 14 रूट 14 रूट 14, ये बन गया 14 रूट 14। आर वन टू वैक्टर कितना है रे, आर वन टू वैक्टर आप लोगों ने निकाल दिया था जो था 2i-j+3k। 14 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 56 होना चाहिए आंसर में, तीन ऑप्शन में 56 है लेकिन स्टार्टिंग में 2i होना चाहिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे है ना। तो फोर्स बराबर 1/56πε0q1q2 मल्टीप्लाई 2i-j+3k, ये हो गया मेरा सवाल क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन कौन सा, अरे यार ये तो कल करवाया था ना क्वेश्चन, याद है ना, एक्स बराबर जीरो एल बाई टू और एल, मैंने जीरो डी बाई टू और डी पे करवाया था याद है ना, माइनस क्यू बाई फोर आता है कब, जब ये क्यू होता है, ये फोर क्यू है तो कितना आ जाएगा रे, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है क्लास का सवाल है, दो फोर्स चार्जेस है आर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, एफ फोर्स लगता है, ये एक चार्जेस दो चार्जेस क्यू वन क्यू टू डिस्टेंस आर, फोर्स मान लो एफ, कितना लगता है रे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और जब इसी के अंदर के एक डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भरा जाता है जिसका मान है 16, तो फोर्स जो है उसे डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो फोर्स लगता है 4f, तो 4f बराबर कितना आ गया, तो 1/16 से डिवाइड हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, इस बार डिस्टेंस चेंज कर दिए आर। अब डिवाइड कर लीजिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, एफ अपॉन फोर एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो दमा चौकड़ी मच जाएगी ना, ये ऊपर गया ये नीचे रह जाएगा, मिस्टेक है क्या बेटा, कुछ गड़बड़ किया तुम लोगों ने, गड़बड़ तो तुम करते ही हो मुझे को अच्छे से पता है, 1/16 यहाँ था ना, भूल गए आप लोग, आपको क्या निकालना था, कैपिटल आर, तो ये आ गया कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 64 आर बाय 8, इसका रूट करना पड़ेगा आर बाय 8 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है इसका, चलो लिख दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट साइन आर फिक्स्ड इन, देखो कभी भी अपोजिट साइन एक दूसरे के पास में तमाम बनता है डाइपोल, और डाइपोल के पास में कोई भी पॉइंट जो वो एग्जिस्ट नहीं करता ध्यान रखना, तो सीधा सीधा आंसर नॉन आ जाएगा, ये थर्ड चार्ज स्मॉल पॉइंट चार्ज इज बैलेंस टू पॉइंट पी बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, सीधी बात है कि डाइपोल के पास कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता है, ये ध्यान रखना क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो आ जाती है। चलो लो भाई क्लास का सवाल है, करवाया था डी एफ बाई डी एक्स, ये वही वाला सवाल है बेटा, ठीक है ना, करवाना पड़ेगा क्या सर, आए हो तो करवा दो है ना, मेरे यही काम है करवाने के, तुम लोग खुद से कभी सवाल को करोगे नहीं, और मैं करवाऊंगा भी नहीं है ना सर, आप कुछ काम के तो हो नहीं, करवाते अरवाते हो नहीं, कितना आया था क्यू बाई टू आया था, जब हमने क्यू लिया था तो कितना बना था, क्यू बाई टू बना था, 20 लिया है तो 20/2 कितना बन जाएगा, 10 माइक्रो कूलम्ब, खत्म,
सीधा याद रखा करो, कभी भी मैक्सिमम फोर्स बोले तो हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों चार्ज लेके चलते हैं, तो उनकी वैल्यू क्यू बाई टू, और क्यू बाई टू आती है तो फोर्स मैक्सिमम आता है। ये 20 है तो 10 और 10 आ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ओ माय गॉड, मेरे को तो आंसर ही भी याद है, क्लास करवाया था 1.8, कल का क्वेश्चन है, कल की क्लास का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, है ना, परसों की क्लास का है, कल का नहीं है, कल इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ाई थी, वो टेंशन निकालना सिखाया था ना, उससे आया था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 15, देखो द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इस डबल, डिस्टेंस को डबल कर दिया तो फोर्स क्या होगा, तो सीधी सी बात है 1/r² होता है, तो 1/2² यानी कि F/4 हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना चाहो तो करवा रखा है क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इंसुलेटर का कितना होता है, देखो ये वापस थ्योरी का सवाल आ गया, तो थ्योरी का सवाल है तो ध्यान रखना, इंसुलेटर का जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होता है वो 5 होता है, ये भी ध्यान रखिए, इंसुलेटर जो मेटेरियल होती है उसका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमेशा 5 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि इंसुलेटर जो होता है ना वो हमेशा क्या करता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड और फोर्स को कम करने का काम करता है, ये भी ध्यान रखना। चलो 17 क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा प्यारा अच्छा मेरा गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल, यानी कि इस क्वेश्चन के सिमिलर कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, पता है क्यों, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, हर किसी को क्वेश्चन समझ में आया नहीं होगा, हिंदी वालों को तो ऊपर से गया है, मेरे को पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, वो तो है ना ऐसे ऐसे करके या ट्रांसलेट करके यहाँ लैंग्वेज समझने में टाइम वेस्ट किए होंगे। देखो ध्यान से सुनो, टू स्फेरिकल कंडक्टर, दो कंडक्टर, एक बी है और एक सी है, इन दोनों की रेडियस इक्वल है, मतलब दोनों की सेप सेम है, इक्वल चार्जेस, तो दोनों के चार्जेस भी इक्वल से, ये भी ध्यान रखना, और एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं सेम नेचर के, फोर्स लग रहा है एफ, कुछ डिस्टेंस मान लो एफ लग रहा है, एफ कितना लगेगा K² / डिस्टेंस, आप यहाँ पे आर मान लो, कितना बन गया K² / r², बहुत अच्छी बात। अब इसने क्या किया, एक और अपने पास में स्पेयर था, इसने क्या किया, एक था स्पेयर ए, उस स्पेयर ए को पहले कनेक्ट किया बी के पास में, कंडक्शन लगा दो, फिर बी को टच किया सी के पास में, तो पहले ए को टच करो, ये बी और ये सी, ए टच करोगे किसको, इससे, और जैसे टच करोगे अनचार्ज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अनचार्ज, ध्यान से देखना यहां पर लिखा हुआ है अनचार्ज, अगर अनचार्ज है इसके पास चार्ज कितना है 0, इसके पास चार्ज कितना है क्यू, तो 0+Q/2, इस पर भी चार्ज आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा 0+Q/2, और यहाँ पे ऑलरेडी क्यू चार्ज है। अब इस केस में क्या के चार्ज बन गया हमारे पास में, तो यहाँ तो बन गया Q/2 बी पे, सी पे कितना बन गया Q/2, लेकिन ये ए अब दूर किया गया, अब ए पे चार्ज कितना है Q/2 है, अब ये अन्य चार्ज नहीं है, ध्यान रखना ये क्यू ही रहेगा बेटा, आई बात समझ में। अब सवाल को देखो, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, बी और सी, बी के पास कितना चार्ज है Q/2, सी के पास क्यू चार्ज है, अब ए को टच किया, ये कितना चार्ज लेके आएगा Q/2, ये लो टच कर दिया, अब ये टच किया तो ये क्यू और ये Q/2, तो इस पे चार्ज कितना बचा Q+Q/2/2, Q+Q/2/2, इस तरीके से चार्ज बचा। अब C पे कितना आ गया 2Q+Q, 3Q/2/3Q/4, अब ये B है और C है, एक पे चार्ज Q/2 और एक पे 3Q/4 चार्ज, अब फोर्स निकाल लो यहाँ पे r डिस्टेंस, अब फोर्स आ जाएगी K Q/2 3Q/2 4/r², ध्यान से देखना F बराबर आ गया 3/8 KQ/r² That is 3/8 F आ जाएगा। देखो कैसे किया एक बार देख लो, थोड़ा फास्ट करवाए, ध्यान से देखना। आपके पास में दो मेटेरियल कंडक्टर थे, एक था B और एक था C।
इसका भी चार्ज क्यू, इसका भी चार्ज क्यू, फोर्स कितना लग गया के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब इस ए को टच किया, ए अब कैसा है अनचार्ज है, जैसे ही ए को टच किया तो अब क्या हुआ चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब बी पे कितना चार्ज आएगा जीरो प्लस क्यू बट्टे दो, ए पे जीरो प्लस क्यू बट्टे दो, तो यहाँ पे भी क्यू बट्टे दो चार्ज और यहाँ पे भी क्यू बट्टे दो चार्ज। अब बी पे क्यू बट्टे दो चार्ज बचा, सी पे क्यू बचा, और ए कितना लेके गया क्यू बट्टे दो। अब ए को टच किया, इससे टच किया तो चार्ज आधा आधा, इस पे आया क्यू प्लस क्यू बट्टे दो, क्यू प्लस क्यू बट्टे दो अपॉन दो, यहाँ पे आ गया थ्री क्यू बाई फोर चार्ज, यहाँ पे भी थ्री क्यू बाई फोर चार्ज। अब दोनों के बीच में क्या निकालना है फोर्स, अब निकालना है फोर्स, एक पे क्यू बाई टू चार्ज है, एक पे थ्री क्यू बाई फोर चार्ज है। ठीक है, चलो अच्छा सवाल है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन से करने की ट्राई करना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल लिख देना जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा सवाल। देखिए माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू और माइनस क्यू थ्री चार्ज रखे गए हैं, आपको बताना है माइनस क्यू वन पे नेट चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो आपके इस माइनस क्यू वन के ऊपर नेट क्यू वन नहीं है मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ना आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड है ना, मैं अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर है ना क्यू वन के अंदर बताना है ना। अच्छा, आपको बताना है कि एक्स कंपोनेंट का जो फोर्स है क्यू वन के ऊपर वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर एक ना थोड़ा सा मिस्टेक सा है, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था इसके अंदर क्या मिस्टेक थी। चलो तो कुल मिला के आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्यू वन जो चार्ज है ना यहाँ पे जो है वो किसके प्रोपोर्शनल लेगा वो आपको बताना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखो बेटा ध्यान से सुनो और समझो कहानी को अच्छे से। देखो ये वन पे बताना है, ये नेगेटिव रिपल्सन हो जाएगा, तब फोर्स कहाँ लगेगा इधर लगेगा, जिस फोर्स का नाम कितना होगा उस फोर्स का नाम होगा एफ वन थ्री, क्या नाम रहेगा एफ वन थ्री। ठीक है, उसके बाद में ये कैसा नेगेटिव ये कैसा पॉजिटिव, तो एक फोर्स लगेगा इधर जिसका नाम क्या होगा एफ वन टू, इस तरीके से। आई बात समझ में अच्छे से। अब आपको निकालना है रिजल्टेंट, क्या निकालना है बेटा रिजल्ट, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, तो आपको जो रिजल्टेंट निकालना है वो बेसिकली कहाँ निकालना है एक्स डायरेक्शन पे निकालना है, कि आपको जो एफ क्यू वन के फोर्स चाहिए वो कहाँ चाहिए, एक्स कंपोनेंट चाहिए आपको इसके, तो ये तो ऑलरेडी एक्स कंपोनेंट है, और ये एंगल थीटा तो ये कितना हुआ 90, ये टोटल 180 होना चाहिए, 90 चला गया थीटा भी चला गया, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट जब इधर बनेगा तो क्या बनेगा एफ वन थ्री कॉस थीटा बनेगा, और ये कंपोनेंट क्या है एफ वन टू है। आई बात समझ में, अब इसको आप सॉल्व कर दो, एफ बराबर सबसे पहले एफ वन टू निकाल दो तो क्या बनेगा एफ वन टू, वन और टू के बीच में फोर्स है तो के क्यू वन क्यू टू कितने डिस्टेंस है अपॉन ए स्क्वायर, एफ वन थ्री वन और थ्री के बीच का फोर्स है, ये बेसिकली एफ वन टू है ना, तो बी आ जाएगा बेटा यहाँ पे। प्लस के क्यू वन क्यू थ्री, वन थ्री में ये आ गया अपॉन डिस्टेंस कितना ए स्क्वायर और कॉस थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे एफ बराबर के क्यू वन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा क्यू टू अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा, इसका एक्स कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो एफ जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस वाली चीज़ के, क्यू टू अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर कॉस थीटा। ये भी अच्छा सवाल एग्जाम के अंदर पूरा सॉल्व करके दे दिया। चलिए जल्दी से करिए फटाफट। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, सेम सवाल अभी करके आए, ये रिपीट हो गया सवाल, ठीक है करना नहीं आपको।
20वां सवाल देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो इसमें सारी चीजें बताने में डायग्राम यहां लाना पड़ेगा। एक चार्ज है बेटा माइनस क्यू, जो ऑर्बिटल में घूम रहा है, किसके सापेक्ष? प्लस क्यू चार्ज के सापेक्ष। तो आपको पता हो कि कोई भी चीज़ इधर घूमेगी तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही, इस तरीके से। और जब डायरेक्शन बदल तो उसकी स्पीड बदलेगी, और स्पीड बदल गया तो उसका क्या होगा? अगर स्पीड चेंज हो गई, क्या हो गई? स्पीड चेंज। इसने क्या बोला? स्पीड कॉन्स्टेंट, गलत हो गया। जब स्पीड चेंज हो गई तो पी बराबर एम वी होता है कि नहीं होता है? एंगुलर मोमेंटम, वी बदल रहा है तो पी भी बदलेगा, तो इसका सॉरी लीनियर मोमेंटम, तो इसका लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? चेंज। वी बराबर क्या होता है? आर ओमेगा, ओमेगा बराबर वी बाई आर, वी बदल रहा है तो ओमेगा भी बदलेगा। इसने क्या बोला? कॉन्स्टेंट बोला। तीन चीज़ें तो हमारी गलत हो, यानी कि आंसर तो पहला सही होना है, लेकिन सर होना कैसे वो तो बता दो। तो देखो बेटा, जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इस तरीके से जब फोर्स लगाओगे आप, तो देखो ध्यान से देखना, इसमें एक चीज़ आपको समझ आएगी कि हम यहाँ की बात करें तो ये अट्रैक्शन फोर्स ऐसे लग रहा है, और इसका आर जो है वो इधर है, ये आर है और एफ है। टो बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ होता है। इन दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है? 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आर जो इधर है और एफ जो है इधर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आर क्रॉस एफ हो गया तो एंगल कितना आ गया? 180। आपको पता है टॉर्क बराबर क्या होता है? आर एफ साइन थीटा, यानी कितना हो गया? आर एफ साइन 180। साइन 180 जीरो हो गया तो टॉर्क का मान कितना आ गया? जीरो। टॉर्क जीरो तो डी जे अपॉन डी टी जीरो। डी जे अपॉन डी टी जीरो, जे टर्म्स कैसी रहेगी? कांस्टेंट। और जे क्या होता है भाई? टॉर्क होता क्या? एंगुलर मूवमेंट का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ही तो होता है। तो जे मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, ए। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। चलो 21वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। एक सॉप बबल है बेटा, ना साबुन का बबल है, इस तरीके से ले लो साबुन का बबल। इसने बोला कि इसको एक चार्ज दिया गया, जैसे ही मान लो हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो कभी भी स्पेरिकल चीज होती है जो हमारी बबल्स वगैरह होते हैं, तो उनको कभी भी हम चार्ज देते उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। तो ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ गया, और जैसे ही इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल इंक्रीज एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये जो होती है सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होती है। किसके होती है? सरफेस एरिया के पोटेंशियल। तो अब जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या है? सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ जाएगा तो एक्सपांड हो जाएगा, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीज। तो इसकी साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो 21 के 21 क्वेश्चन कर लिए, सारे के सारे सॉल्व करा दिए, रिटर्न लिख के भेज दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तब भी दिक्कत हो भेज दो, जूम मीट से समझा दूंगा, इससे ज़्यादा क्या करना है बता देना, ठीक है। चलो बच्चों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज आपकी कोई थ्योरी क्लास नहीं हो रही है, क्यों? कल रात को लेट क्लास अपलोड हुई थी, इसलिए कल हम इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सारी कहानी खत्म कर दी है विथ होमवर्क, डीपीपी के सवाल नहीं करने हैं। डीपीपी जो है मैं सारे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद में मैं आपको एज ए पेपर की तरह लूंगा करना। चलो बच्चों, विदा लेते, राधे राधे, ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय।